इस वीडियो में हम साइक्लोएल्काइन के नामकरण को पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि साइक्लोएल्काइन के लिए रिंग में कम से कम 8 कार्बन का होना ज़रूरी है, यानी 8 या उससे अधिक कार्बन की बंध श्रृंखला हो तभी साइक्लोएल्काइन बन सकता है। अगर कार्बन की संख्या 8 से कम है तो साइक्लोएल्काइन का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, एक एग्जांपल करा के मैं इसको समाप्त कर दूँगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब, यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है मैं थोड़ा सा बड़ा का दे रहा हूँ, इसको भी बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी तो वही रूल है कि काउंटिंग हमें ट्रिपल बॉन्ड से शुरू करनी है, जैसे मैंने आपको साइक्लोएल्काइन में बताया था कि काउंटिंग मुझे डबल बॉन्ड शुरू करनी। तो यहाँ पर मैं आपको लगा दे रहा हूँ BR और यहाँ पे लगा दे रहा हूँ CL। अब मुझे काउंटिंग को तो ट्रिपल बॉन्ड से शुरू ही करनी है। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि इस कार्बन पे कोई भी प्रतिस्थापी हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ का जो कार्बन है 3 बॉन्ड इधर बना चुका, 1 बॉन्ड इधर बना चुका, तो अब यहाँ का कार्बन कोई बॉन्ड नहीं बना क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। अब अगर इसका मैं नाम आपसे बताऊँ तो काउंटिंग, अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ 3 लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा तो यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ 3 लिखूंगा। तो 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ ब्रोमो है, बी से लिखा है, तो मैं इसको वरीयता दूंगा। मैं काउंटिंग को यहाँ से शुरू करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 8 क्लोरो, फिर उसके बाद साइक्लो ऑक्टाइन, ऑक्ट के बाद मुझे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन होना चाहिए, ऑक्ट वन आयन। बिल्कुल वही चीज है, बस साइक्लो इसमें अलग से लग जा गया है क्योंकि इसमें जो यौगिक है वो चक्री। तो बस एक ही एग्जांपल से आपको क्लियर भी हो गया होगा, इसमें कुछ खास नहीं है। जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ से काउंटिंग करना है, और आपको अल्फाबेटिकली वरीयता देनी है कि जो अल्फाबेटिकली समूह पहले आते हैं अगर उनको छोटी संख्या मिल सके तो बेहतर होता है। तो प्रयास किया गया है कि ब्रोमो 20 से आता है, इसको न्यूनतम अंक मिले, तो इसलिए मैंने काउंटिंग यहाँ से किया 1 2 3। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूँ, फिलहाल ये साइक्लोएल्काइन का तो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मुझे पिछली वीडियो में ही करा देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर इसके बारे में मुझको ध्यान नहीं आया, तो इसे भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर 2 रिंग है, दोनों रिंग में कार्बन की संख्या 6 है, साइक्लो हेक्स रिंग्स दोनों है, लेकिन इसमें देखिए डबल बॉन्ड की संख्या 2 है, तो मैं इसको वरीयता दूंगा। तो वरीयता देने के लिए मैं इसे मुख्य श्रृंखला मानूंगा, तो मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6, और ये कार्बन मुख्य श्रृंखला जुड़ाती है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो मेरा समूह है
ये मेरा चला जाएगा साइड चेन में, तो क्या है वन पर साइक्लो हेक्स टू इनाइल। बताया था मैंने कि एल्काइन में उसका ई हटा के वाई एल लगाते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे ये बना है मेथेन, मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा तो सी एच फोर बना मेथाइल होता है, मिथाइल। तो है क्या, पहले इसको समझ लीजिए, ये मिथाइल समूह है। मेथेन में क्या था, मेथेन का जो ए एन ई था उसको हटा के वाई एल लगा गया तो बन गया मिथाइल। उसी तरीके से मान लीजिए कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है, इसमें से एक हाइड्रोजन आप माइनस कर रहे हैं तो ये क्या है, ये आपका है एथिल, एथीन है, ई एन ई इसमें जुड़ा ना एथीन है। अब इसमें आप एन और ई हटा के वाई एल लगाइए तो ये हो जाएगा सी एच टू हो जाएगा एथेनाइल, मतलब एन और ई हटा के वाई एल लगाना तो आपका हो जाएगा एथेनाइल। अब देखिए ये जो आपका समूह है इसको हम क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये वन पर जुड़ा है तो वन लिख देना है, फिर चक्री है तो साइक्लो लिख लेना, इसके बाद छह कार्बन है तो हेक्स लिखना है, इसके बाद दो पे डबल बॉन्ड है टू लिखना है, फिर इनाइल वही हेक्सीन होता, साइक्लो हेक्स टू इन होता, लेकिन ई को वही एन ई को हटा के वाई एल लगा दिएगा तो साइक्लो हेक्स टू इनाइल, ये पूरा हो गया, साइड चेन हो गई। इसके बाद हम मुख्य श्रृंखला पे आते हैं, ये क्या है, ये भी मेरा साइक्लो है और मेरा हेक्स है, बल्कि इसमें डबल बॉन्ड दो बार है तो मैं हेक्सा लिख लूँ। उसके बाद वन थ्री डाई इन, वन थ्री डाई इन, हो सकता है ये चीज़ ना दिख रही हो तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइक्लो हेक्सा के बाद आपको वन थ्री डाई इन। तो ये दो क्वेश्चन थे, काफ़ी छोटी वीडियो थी लेकिन आप इसको ज़रूर देखिएगा।